धार्मिक नगरी अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिरों में रंग भरी एकादशी तिथि पर आज होली खेली गई तो अलग ही नजारा दिखा, जिसमें 500 वर्षों के संघर्ष के बाद निर्मित हुए राम मंदिर की खुशी समाहित दिख रही थी और इसी के साथ ही अवधपुरी में होली का आगाज हो गया। तो इसी क्रम में रामनगरी के हनुमानगढ़ी परिसर में रंग भरी एकादशी पर प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में रंगों के बीच आस्था का ज्वार दिखा और साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी नजर आई। तो परंपरागत रूप से कड़ी सुरक्षा में प्रमुख सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निशान को लेकर साधु संतों को जुलूस अयोध्या की सड़कों पर निकला तो संतों ने ढोल की धुन पर जमकर झूमे। वहीं नागा संतों का यह जुलूस अयोध्या के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले हर मंदिर में पहुंचा, जहां नागा संतों ने भगवान के विग्रह के साथ होली खेली। तो इसी क्रम में संतों ने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा कर सदियों स्नान भी किया। बताते चले कि प्राचीन परंपरा सदियों से धार्मिक नगरी अयोध्या में चली आ रही है और इसी परंपरा के तहत रंग भरी एकादशी के अवसर पर अयोध्या में प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल प्राचीन हनुमानगढ़ी के नागा परंपरा से जुड़े साधु संत हनुमानगढ़ी मंदिर में रखे हनुमंत लल्ला के प्रतीक चिन्ह झंडे और निशान को लेकर मंदिर परिसर में ही जमकर होली खेली। जय श्री राम। पहले तो होली की बधाई, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। पिछले 500 वर्ष के संघर्ष के बाद नव जन्म भव अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और इस बार सिद्ध पीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के विजय पताका के रूप में निशान निकला है। विभिन्न मंदिरों में स्वयं हनुमान जी निकले हैं अबीर गुलाल ठाकुर जी को समर्पित करते हुए और आगे बढ़ते हुए पुनः होली खेलते हुए। फागुन तो लग गया है तो आज एकादशी भी है। हर प्रत्येक साल एकादशी के शुभ अवसर पर फागुन लग जाता है और सबसे खास बात यह है कि भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन गया है, जहां पर प्रभु विराजमान हो चुके हैं। तो भक्तों का यहां जन सैलाब उमड़ा है पूरा। आप देख सकते हैं पूरे विश्व से जितने भी सनातन धर्मी हैं सब यहाँ पर आ रहे हैं, प्रभु राम का आशीर्वाद ले रहे हैं और हनुमान जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। रही बात जो है होली का, तो आज एकादशी है। एकादशी के पर्व पर यहाँ पर जो है हनुमान जी का जो निशान निकलता है प्रत्येक वर्ष, हम लोग उसका पूजा पाठ करते हैं, भोग राग लगाते हैं, उसके बाद अबीर गुलाल प्रभु को भी लगाते हैं, हनुमान जी को भी लगाते हैं और सभी संत सद गृहस्थ जितने व्यापारी हैं सभी को लगाते हैं और सब एक साथ में